बोलो बोलो बोलो। हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हो? मेरे नए ब्लॉग में सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि भागवत होने के बाद भंडारा कैसे होता, गांव में लोग भंडारा कैसे करते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है ये कि यहाँ पे भंडारा लोग कैसे करते हैं, बहुत मेहनत तो और लगन के साथ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है और यहाँ का स्वाद बहुत अच्छा रहता है। प्रसाद का स्वाद बहुत बढ़िया रहता है, पता नहीं क्या कैसी डालते हैं दोस्तों। भंडारा तो सभी लोग करते हैं, सभी गांव वाले करते हैं और शहर के भी लोग करते होंगे, हमारा वो मतलब कुछ नहीं है। और बस मैं ये जागरूक करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, कि मेहनत और लगन बहुत बड़ी चीज़ होती है और सबको पुण्य धर्म का मौका मिलना चाहिए, सब लोग करें। ठीक है दोस्तों, ये गांव भंडारा चल रहा है हमारे और ये देखो गाइस, और बहुत भीड़ मात्रा में लोग आए हुए हैं। बहुत अभी तो कम भीड़ लगी है दोस्तों, अभी तो बहुत भीड़ लगनी बाकी है। पूरे भंडारा चलता है और सभी लड़के यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, बड़े बूढ़े और लड़के सभी यहाँ पर बहुत आज मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। भगवान उनको मेहनत का फल देता भी है। ठीक है दोस्तों, और मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा, अभी बाबा जी दिखाएंगे आके और सभी लोग दिखाएंगे कितने मेहनत कर रहे हैं। पूड़ी वोड़ियाँ सीख रही हैं, सब्जी वब्जी सारा कुछ दिखाऊंगा। अभी चलते हैं दोस्त, ठीक है, अभी इधर देखते हैं तो क्या हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे लोग भोजन पा रहे हैं, अपने अपने कार्य में लगा। अरे हम तो एक बार महात्मा रघुवर दास के नाम से जयकारा लगाएंगे। देवी ऋषियों का शक्तिशाली तपोभूमि उसे क्या कर ताली करी जाए कि जैसे मर्यादा को सम्मान और विराज योगी बहुत सारे यहाँ पे सब्जी है। बच्चे कहाँ जा रहे हो? बोलो बोलो बोलो। यहाँ की पूरी